फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग चकिया में एन एच 28 पे हैं और जा रहे हैं माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर, जो कांटी नामक स्थान पे स्थित है। चकिया से माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। अगर बात करें फेयर की, तो अगर आप फोर व्हीलर से जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये में आप अप डाउन कर सकते हैं, और आप बाइक से जाते हैं तो लगभग 200 रुपये का पेट्रोल लगेगा, उसमें आप अप डाउन कर सकते हैं। चकिया से माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर जाने के लिए बस की भी सुविधा उपलब्ध है। हर 10 मिनट पे आधे घंटे पे मुजफ्फरपुर बस जाती है, और पटना जो जाती है वो छिन्नमस्तिका मंदिर होते हुए जाती है, क्योंकि छिन्नमस्तिका देवी मंदिर जो है मुजफ्फरपुर से लगभग 10 किलोमीटर पहले पड़ती है, और चकिया से आप अगर जा रहे हैं मुजफ्फरपुर तो दाहिने साइड में पड़ती है। मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जिले में माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसके अलावा पूरे बिहार में और देश से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं माँ का। और यहाँ के लोगों का मानना है और भक्तों का कहना है कि माँ से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो जल्द ही पूर्ण होती है। हम लोग आधी दूरी यानी लगभग 20 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं और 20 किलोमीटर बाकी है। कांटी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, जो मुजफ्फरपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहीं पे माँ का मंदिर है, माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर। मुजफ्फरपुर से अगर आप ऑटो से आते हैं या बस से आते हैं तो बाएं साइड में पड़ता है माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर, जो मुजफ्फरपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप मुजफ्फरपुर में आते हैं या मुजफ्फरपुर के आसपास में रहते हैं तो इस मंदिर में माँ का दर्शन अवश्य करें। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, यातायात नियमों का पालन करें और गाड़ी को धीमे चलाएं, ओवर स्पीड ना चलाएं। तो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे माँ का मंदिर दिखाई देने लगा, लेकिन हम आगे से टर्न लेंगे क्योंकि यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो बोलिए जय माता दी। मैं पूर्वी चंपारण जिले के चकिया नामक स्थान से हूँ और जा रहा हूँ माँ के दर्शन करें। आप लोग कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले मेरा वीडियो कहाँ कहाँ लोग देखते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर। मंदिर का फुल ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सप्ताह में मिलेगी। धन्यवाद।